महर, कितना हक महर लिखा जाए, 20 तोले जेवर लिखवा दूँ? नहीं, मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया है, बस इज्जत चाहिए। अपने बेटे से कहें अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी इज्जत दे, हक महर में लिख दो इज्जत औरत की। लड़की जब कबूल है कहती है, तब दरअसल वो अपने बचपन, अपना घर और कुछ ख्वाबों को खुदा हाफिज़ कह रही होती। बेटियां भी चिड़ियों की तरह होती है, जब आंगन से उड़ जाती है तब सन्नाटे का एहसास होता है। यार अब कहाँ से लाते हैं ये लोग हौसला, कांटों में फेंक देते हैं फूलों को पालकर। फूल सी बेटी भी ले लेते हो, जहेज भी लेते हो, खिदमतें भी करवाते हो, फिर जलील भी करते हो। बाप जैसा कोई मर्द नहीं, ना मोहब्बत में और ना ज़र्फ में। बेटियों की शादी वो वाहिद ख्वाहिश होती है, जिसके पूरा होने पर बाप रोने लग जाता है। लोग जिस मोहब्बत की बात करते हैं ना बाबा, वो आपकी मोहब्बत है, जिसका कर्ज मुझसे उम्र भर अदा ना होगा। रुखसत जो किया बाप की आंखों में अश्क थे, वो बाप अपनी जान भी गैरों को देगा। बेटियां खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कब इनका खेल ख़त्म हुआ और नसीब का खेल शुरू हुआ। जानते हो निकाह क्या है, जो बाप अपनी गुड़िया को स्कूल तक अकेले जाने नहीं देता था, वो बाप उम्र भर के लिए बेटी को अजनबी के साथ अकेला भेज देता है। इजहार मोहब्बत, दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खाविंद से और खाविंद की बीवी से मोहब्बत। अपनी बीवी का माथा चूम कर इससे इजहार मोहब्बत करना सुन्नत नबवी है। हर इंसान अधूरा है, जब वो निकाह करता है तो मुकम्मल हो जाता है।